हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपनी फिजिक्स सीरीज़ में डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर। तो फ्रेंड्स, सिग्निफिकेंट फिगर नाम से ही पता चल रहा है कि सिग्निफिकेंट मतलब सिग्निफिकेंस, जिसका कोई महत्व हो, सिग्निफिकेंस हो। हमें वो डिजिट फाइंड करनी है जिसका कोई महत्व हो। सो हम स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ रूल्स डिस्कस करेंगे जिससे कि हम पता लगे कि सिग्निफिकेंट फिगर कैसे हम निकालते हैं। रूल फर्स्ट किसके लिए है? फोर नंबर बिगर देन वन, उनके लिए रूल फर्स्ट है जो कि वन से ज़्यादा बड़े नंबर गिवन हो हमें कोई डिजिट। फर्स्ट क्या है? ऑल द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट नो मैटर व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ डेसिमल। तो क्या कहा गया है कि जितने भी हमारे नॉन ज़ीरो डिजिट हैं, लाइक कैसे है 1, 2, 3, 4, 5, जितने भी नॉन डिजिट नंबर हैं वे सभी सिग्निफिकेंट है, चाहे उनके बीच में डेसिमल हो, पॉइंट हो या नहीं हो, तो सभी क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर है। जैसे कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, एग्जांपल में 24 है, तो 1 इसके लिए, 1 इसके लिए, तो इसमें क्या है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। ऐसे ही बाकियों में गिवन है। दूसरा सेकेंड क्या है इसका? ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विदाउट डेसिमल इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। तो क्या कहा है? ट्रेलिंग जीरो मतलब जो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर है, जो नॉन जीरो डिजिट है, उनके बाद में जो जितनी भी जीरो हैं वो क्या है? नॉन सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे हम ले लें, हम ये डिजिट ले लें, तो हमें क्या, ओनली इसमें क्या है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, बट जो ये ट्रेलिंग जीरो है ये क्या है? नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हम इनको काउंट नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। नेक्स्ट क्या है? ट्रेलिंग जीरोज इन आ नंबर विद डेसिमल आर सिग्निफिकेंट, बट अगर ये ट्रेलिंग जीरोज क्या है? डेसिमल के बाद है, तब ये क्या है? सिग्निफिकेंट कहलाएंगी। एग्जांपल में जैसे हमारा 27.00, तो क्या बीच में डेसिमल है, पॉइंट है, तो ये ट्रेलिंग जीरो भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। तो क्या इसमें कितने हैं? 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है? ऑल द जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरोज डिजिट आर सिग्निफिकेंट। तो क्या कहा गया है कि जो भी जीरो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में प्रेजेंट होगी वो क्या होगी? सिग्निफिकेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कुछ भी ले ले, या ले ले 1003201, ये ले लिया, तो इसमें क्या है? सभी के सभी क्या सिग्निफिकेंट है, क्योंकि जो जीरो गिवन है ये क्या है? 2 नॉन जीरो के बीच में है, तो ये सिग्निफिकेंट होगी। तो इसमें कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें हो जाएंगे। तो एक पर दोबारा रिकॉल करते हैं, पहला रूल क्या था? जो जीरो से बड़े नंबर का या एक से बड़े नंबर के लिए यूज होता है, ऑल द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। तो क्या है? सभी नॉन जीरो डिजिट क्या है? सिग्निफिकेंट है। ये मैटर नहीं करता कि उसमें डेसिमल कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं है, एबसेंट है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। सेकेंड क्या? ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विदाउट डेसिमल इज नॉट सिग्निफिकेंट। तो क्या कहा गया कि ट्रेलिंग जीरो है जो अगर डेसिमल नहीं गिवन है तो ट्रेलिंग जीरो है इनसिग्निफिकेंट, अगर डेसिमल है फिर भी ट्रेलिंग जीरो है तो ये क्या होगी? जीरो सिग्निफिकेंट होगी, इस रूल में हमें बताया। नेक्स्ट क्या है? ऑल द जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। तो क्या है? 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितनी भी जीरो प्रेजेंट होगी वो सभी क्या होगी? सिग्निफिकेंट होंगी। और ये तो था क्या हमारा, अगर कोई गिवन डिजिट 1 से बड़ी है। नेक्स्ट क्या है? 4 नंबर लेस देन 1, अगर हमें कोई भी नंबर है जो पॉइंट्स में गिवन है, मतलब कि वो 1 से छोटा है, तो उनके लिए हम क्या क्या अप्लाई करेंगे? फर्स्ट क्या है? जीरोस टू लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो क्या कहा गया है कि जो क्या आएगा, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है उसके लेफ्ट साइड जितनी भी जीरो है, चाहे वो डेसिमल से बाहर हो या अंदर हो, तो वो सभी क्या होगी? नॉन सिग्निफिकेंट है। जैसे हमें क्वेश्चन में दिया 0.00531, तो नॉन जीरो डिजिट फर्स्ट क्या है? 5 है, तो इसके लेफ्ट में ये जितनी भी जीरो है ये सभी क्या है? इनसिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट रूल क्या है? जीरोस टू राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। तो क्या कहा है कि जीरोस टू द राइट ऑफ लास्ट, जो कोई भी हमें नॉन जीरो डिजिट दी हुई है उसकी राइट साइड में जितनी भी जीरो है वो क्या है? सिग्निफिकेंट होगी, चाहे उसमें डेसिमल हो या नहीं हो। और याद रखना है कि लेफ्ट साइड में
नॉन सिग्निफिकेंट होगी और राइट साइड में सिग्निफिकेंट होगी। नेक्स्ट क्या है, पावर ऑफ 10 आर नॉट काउंटेड इन सिग्निफिकेंट फिगर। तो क्या कहा गया है कि हम अब कुछ किसी भी चीज़ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 4 × 10⁻¹⁹ मीटर या कुछ भी हम पावर्स में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, बट ये पावर्स है ये किस में सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगी। नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट मैटर वेरी विद चॉइस ऑफ यूनिट। तो ये है हमने डायमेंशन में पढ़ाया है कि हम एक यूनिट को सेकंड वाले में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट ये क्या है सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहेगा, हम कोई भी यूनिट लगा ले फिर भी सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहेगा। जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है 4 मीटर, 40 सेंटीमीटर और 400 मिलीमीटर। तो क्या है ये बस यूनिट चेंज हुई है, बट क्या है? हमें पता है कि जो ट्रेलिंग जीरो है वो क्या है नॉन सिग्निफिकेंट है, तो ये भी नॉन सिग्निफिकेंट, तो तीनों में सिग्निफिकेंट फिगर बस एक ही है 444। तो है समझ में आया होगा कि हम कितनी भी यूनिट बदल लें बट सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहेगा। नेक्स्ट क्या है, अब हमने पढ़ तो लिया कि सिग्निफिकेंट फिगर हम कैसे फाइंड करते हैं, तो हम सीखेंगे कि उसकी कैलकुलेशन में उसके रूल कैसे लगेंगे अगर हमें कैलकुलेशन करनी हो। फर्स्ट रूल क्या है, द रिजल्ट ऑफ एन एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन द नंबर हैविंग डिफरेंट प्रिसीजन शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस एज आर प्रेजेंट इन नंबर हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। तो क्या कहा आगे, अगर हमें कुछ जो डिजिट गिवन होगी अगर हम उनको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो हमारा रिजल्ट आएगा जो आंसर आएगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, उसमें जो मतलब किसी भी एक गिवन नंबर में जितने मिनिमम नंबर होंगे उसके जैसा हमको रिजल्ट चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें ये दे दिया 49.1, 5.3 और 47.3। अगर हम इनको जोड़े, अगर हमें जो भी रिजल्ट मिलेगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जो गिवन में मिनिमम हो, तो इन सब में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है, इसके पास। तो हमें रिजल्ट में ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, एक ये एक ये, तो इनके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट में इतने सिग्निफिकेंट फिगर चाहिएंगे जो कि क्वेश्चन में गिवन होंगे सबसे लिस्ट वाले के पास। नेक्स्ट क्या है, एज इट इज़ रूल किस में है, द आंसर टू बी मल्टीप्लीकेशन और डिविजन इज राउंडेड ऑफ टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज इज पोजेस्ड बाय द लिस्ट प्रिसाइज टर्म यूज इन द कैलकुलेशन। तो इसमें भी ये कहा गया है कि अगर हमें मल्टीप्लाई है या डिवाइड करना है तो क्या है, तो जो हमें रिजल्ट होगा तो मिनिमम नंबर वाले के पास ही हमें अपना राउंड ऑफ करके ले जाना है। राउंड ऑफ क्या है, हम अपनी सुविधा से या रूल्स के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, नंबर को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे राउंड ऑफ। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सिग्निफिकेंट फिगर, होप करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।